एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो थंबनेल से आप समझ गए होंगे, टाइटल से भी समझ गए होंगे, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग जो हमें हमारी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन्हें कैसे पहचाने, ये तो सिर्फ इस पर है। बाद में मैं फिर कभी बताऊंगी कि इन लोगों से सावधान होकर अपने आप को बचाएं कैसे। पहले तो हमें अपनी जिंदगी में ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में ऐसे वो कौन से लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो रहते हैं हमारे आसपास, हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। हमें लग रहा है हमारे शुभचिंतक, एक्चुअल आपके शुभचिंतक किसी कीमत पे नहीं है, वो बहुत नेगेटिव लोग हैं, लेकिन उन्हें पहचाने कैसे, उन्हें चिन्हित कैसे करें, समझे कैसे कि हाँ ये नेगेटिव है, इनकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, या ये हमारे माइंड सेटअप को कुछ इस तरीके का कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों में एक अलग सी पावर होती है, जैसे कि ये किसी भी आम व्यक्ति में हो सकती है, कोई विशेष पावर नहीं कि नहीं भगवान जी ने अलग से शक्ति दी है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों में एक विशेष पावर होती है, वो हर स्थिति में किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। कुछ लोगों में एक ऐसी आदत होती है कि आप कितने भी सर्वश्रेष्ठ हों, वो कहीं ना कहीं आपको गलत साबित करने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसने भी ऐसा किया है। तो इन जैसे लोगों से आप कैसे दूर हों, कैसे आप इन्हें पहचाने, नेगेटिव लोग में कौन कौन से लोग आते हैं जिन्हें आप माने कि हाँ नेगेटिव है। सबसे पहले नेगेटिव पर्सन कौन है वो आप समझें। जो व्यक्ति किसी दूसरे की समस्या को या अपनी ही व्यक्तिगत समस्या को आपके साथ बैठकर बार बार गा रहा है, गा रहा का मतलब रो रहा है, ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आपने श्री कृष्ण जी को देखा है, आप उनके किसी भी किरदार को देखिए, सीरियल में देख लीजिए, या आपने गीता पढ़ी हो, या आप तो कोई छोटा सा कुछ भी पढ़ा, आप देखिए श्री कृष्ण जी हर विषम परिस्थिति में, हर विकट परिस्थिति में मुस्कुराते ही रहे हैं, उनके होंठों से कभी भी मुस्कुराहट दूर नहीं हुई है। मानव व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव और दुख का भाव, चिंता का भाव, घबराहट का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सब बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। हमें अपनी जिंदगी में किस भाव को महत्व देना है, महत्व प्रसन्नता को। अगर हम प्रसन्न हैं, चरक संहिता में पढ़िए आप, बहुत बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि अगर मन प्रसन्न है तो सब स्वस्थ है, कहीं कोई बीमारी नहीं है। मन का स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है, प्रसन्नचित होना जरूरी है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या का रोना रो रहा हो, या अपनी ही किसी समस्या को बार बार रो रहा है, बार बार रो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पर्सन है। अपनी किसी एक समस्या को ही पीछे लगा हुआ है और आपसे डिस्कस कर रहा है, वो नेगेटिव पर्सन है। इन द सेंस मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे यार हमारे साथ तो ना ऐसा हुआ, हमारे साथ इसने ऐसा किया, हमारे साथ ये हुआ, और हम क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं, जिंदगी में ऐसा हो गया, इस वजह की वैसा हो गया, वैसा हुआ। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? आपको तो वो बात सुना रहा है, आप उसकी बात सुन भी रहे हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप तो मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाह रहा है। वो अपनी समस्याओं को दिन भर रो रो के बड़ी कर रहा है, उस समस्या से निकलना ही नहीं चाह रहा है, और धीरे धीरे आपको भी उस समस्या के अंदर ही फंसा रहा है। ऐसा व्यक्ति नेगेटिव व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहें। समस्या हम सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसकी में समस्या ना आए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, कोई घटना हुई, उस घटना को समझकर, उस घटना के बाद हमें उस घटना से निकल जाना और उसकी हमारे जीवन में पुनरावृत्ति ना होना, ये तो है समझदारी। लेकिन अगर कोई घटना हुई और पूरी जिंदगी हमने उस घटना का रोना रोया, तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि ना तो वो समय दोबारा आने वाला है और ना वो चीजें कभी ठीक होने वाली है, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे लोग निगेटिव लोग होते हैं। दूसरे लोग जो बार बार आपसे सिंपत्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है और फिर हम उन्हें बेचारा समझने लगते हैं, ऐसे लोग भी नेगेटिव लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बताऊं, जब वो अपनी किसी एक घटना के लिए परेशान होते हैं,
फिर आप जो है इमोशनल होते हैं, आप अपनी अटेंशन देते हैं, तो वो बार बार आपसे अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटना करता रहेगा जिससे आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो। तो अगर आपका ध्यान वहां केंद्रित हो गया तो आप सोचिए कि फिर आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उद्देश्यहीन हो गए हैं। तो उसने एक तरीके की नकारात्मकता आपके चैनल पर या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं उसने फैला दी है। ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरे प्रकार के लोग, ऐसे लोग जो हर स्थिति में चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता है उनकी क्या बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी बात माने। और किसी ना किसी स्थिति में वो आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं, जैसे कि आपके परिजनों से दबाव डलवा कर, अपना दबाव डालकर, इमोशनली ब्लैकमेल करके, मेंटली ब्लैकमेल करके, फिजिकली ब्लैकमेल करके, कैसे भी करके अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत निगेटिव होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो आपकी बात को सुन तो रहे हैं बहुत ध्यान से, आपके पास बैठे हुए आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी बात को ध्यान से क्यों सुन रहा है, आपकी बात ले जाके क्या यहाँ वहां करने वाला है, अगर आप इस बात को नहीं जानते तो सावधान हो जाइए। ऐसे व्यक्ति भी बहुत नेगेटिव होते हैं, आपकी बात को सुन तो लेते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं, फिर उसमें अपने मतलब का नमक मिर्च मसाला लगा के कहीं और जो है वो लगा देते हैं। ऐसे लोग भी नेगेटिव होते हैं। और किस प्रकार के लोगों को आप चिन्हित करिए? ऐसे लोग जो आपसे संतुष्ट ही नहीं है। देखिए, आप मानव हैं और मानव जाति में बड़ी समस्या है, आप एक साथ 1000 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना? आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोग मिल रहे हैं, बहुत सारी सोच है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आपसे खुश नहीं है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं उसके लिए, आप वो कह रहा है पानी ला दो तो आप पानी ला के दे रहे हैं, वो कह रहा है आप खाना लगा दो आप खाना लगा के दे रहे हैं, वो कह रहा है कपड़े धो दो आप कपड़े भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपके किसी काम में कमी निकाल रहा है ये कहने की वजह क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, जैसे कि हम ही लोग घर में सामान्यतः 2-4 लोग रहते हैं, कोई गड़बड़ हो जाती तो कहते हैं ठीक है चलो छोड़ो हो गया, होता रहता है, आखिर हम भी इंसान है, आदमी थक जाता है। अगर ऐसा ना कह रहा है कोई व्यक्ति और हर बार आपकी कमी निकाल रहा है, बार बार आपकी कमी निकाल रहा है, 10 लोगों के सामने कमी निकाल रहा है, अकेले में भी कमी निकाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जेलिस से भरे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी ज्यादा नकारात्मकता होती है कि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो कितने निगेटिव हो चुके हैं, है ना? तो ऐसे लोगों से जरूर दूरी बना के रखें। जैसे कि मैं आपको आपको उदाहरण के रूप में समझाती आपको, मतलब आप समझिएगा, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि एक बार मेरे पास किसी का कमेंट आया, अब मुझे वो नाम भी नहीं याद है किसका है, मैं आपको मैं बता रही हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कैसी कैसी चीजें फेस किया। तो किसी का कमेंट आया, उन्होंने मुझसे, चूंकि मैं भी देखिए गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और पता मैं हमेशा जब भी उनका कमेंट आता था, कोई समस्या उनको होती थी, मैं उनका रिप्लाई कर देती थी, वो लेडी ही थी तो मैं उनको रिप्लाई कर देती थी, उनका कोई भी समस्या हुई जैसे कि दीदी ये है बता दीजिए, दीदी वो है बता दीजिए, तो मैं उन्हें रिप्लाई कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, उनका कोई मैसेज आया होगा, मैं उस मैसेज को सीन ही नहीं कर पाई, मैंने देखा ही नहीं उस मैसेज को। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आप झटके में इंस्टा ऑन कर देते हैं और आप बाहर निकलना भूल जाते हैं तो वो ऑन रहता है। कुछ देर बाद उनके 5-6 एकदम लगे हुए मैसेज आए, आप ऑनलाइन रह रही हैं, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हैं, आप कितनी बेकार हैं, मतलब उसमें लिखा था कि आप कितना घमंडी हैं। मतलब आप सोचिए कि मैं जब तक उनके हर संभाल का समस्या का समाधान करती रही, उनके कमेंट का रिप्लाई करती रही, तब तक तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही एक उनकी समस्या आई और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई, उन्होंने फौरन मुझे बुरा भला कह दिया। तो जब मैंने उनके कमेंट को पढ़ा तो आप विश्वास करिए, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, मैंने एक शब्द उनसे नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई कि ये व्यक्ति एक ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो मेरी जिंदगी में अगर रहा तो शायद ये नकारात्मकता फैला देगा, इसलिए क्योंकि अगर इसने और बकवास की तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब मेरा दिमाग खराब होगा या तो मैं इसको उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगी, और नहीं बोलूंगी तो मेरा मन कहीं नहीं लगेगा, जो मैं अच्छा काम कर रही हूँगी वो भी बिगड़ जाएगा। तो मैंने फौरन क्या किया, उनको ब्लॉक किया। सबसे पहले मैंने उनको ब्लॉक किया, वो आज भी ब्लॉक है मेरे इंस्टा पे, मैंने उन्हें कभी दोबारा ओपन नहीं किया, कि भाई क्योंकि मैं समझ रही हूँ सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव पर्सन है, मैं जब तक इसके हिसाब से चल रही हूँ तब तक तो ये ठीक है, जब तक मैं इसकी बात मान रही हूँ, जैसे ही मैं इसकी बात मानना बंद कर दे रही हूँ वैसे ही ये जो है वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लग जा रहा है।
तो मैंने ऐसे व्यक्ति को हाथ के हाथ वहीं ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपनी जिंदगी में चिन्हित कर लेते हैं कि ये नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो भाई आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। आपके पास अगर ऐसे लोग हैं, अब बड़ी समस्या ये कि दीदी ऐसे लोग हैं, करें क्या, हमारे घर में ही ऐसे लोग, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं, तो इनसे कैसे निपटें, तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगी कि ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें परख लीजिए, उनके साथ रहिए, लेकिन उनसे सावधान कैसे रहना है इसको मैं एक अलग वीडियो में जो है वो डिस्कस करूंगी। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी, दीदी क्या आपके जीवन में इस तरीके के लोग हैं? बहुत सारे, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, गिनती से नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे। अगर मैं ऐसे उंगलियों पर गिनूंगी ना तो कम पड़ जाएंगे। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मेरे घर में हैं, परिवार में हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हैं इनफैक्ट, लेकिन मैंने कभी उनसे ऐसी दूरी नहीं बनाई कि कभी उन्हें ऐसा महसूस हो। मैं रहती साथ में हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि वो मेरे ऊपर हावी ना होने पाए। जैसे ही मैं उनसे बात करती हूँ, कभी मेरी बातचीत हो रही होती है या मुझे लगता है कि अब ये व्यक्ति मेरे ऊपर हावी होने वाला है, मैं वैसे ही उससे अपनी बातचीत को सीमित कर लेती हूँ, तो उसको हावी नहीं होने देती हूँ। तो अभी तक के लिए तो आप लोगों के लिए इतना ही है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निगेटिव है, आप उसको चिन्हित कर लीजिए और कोशिश करिए कि वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इसको विशेष ध्यान रखिए। जैसे वो आप पर हावी होगा तो आप जानिए कि आपका माइंड सेटअप अपने आप चेंज हो जाएगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें, और फौरन जो है आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा, आपके अंदर भी वो चीजें आ जाएंगी जो उसके अंदर है, फिर आप भी दूसरे के साथ वही व्यवहार करने लगेंगे। तो इसको पहचानना, चिन्हित करना और ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये बहुत जरूरी है नकारात्मक लोगों से दूर रहने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।